हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2023 होंडा सिटी का फेसलिफ्ट अवतार। जी हाँ दोस्तों, ये है टॉप वेरिएंट ZX CVT वेरिएंट और इसकी प्राइस जाती है 15,97,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 18,44,000 रुपीज। और जितना कंफर्ट आपको होंडा सिटी में मिलता है दोस्तों, इस सेगमेंट में किसी भी प्रीमियम सेडान में आपको नहीं ऑफर किया गया है। जहां तक डिजाइन डायनेमिक्स की बात करें, फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, तो काफी कुछ चेंजेस यहां पे किया गया है, एक एक करके कवर करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हेडलैम्प यूनिट की। हेडलैम्प यूनिट के ऊपर आपको क्रोम फिनिश मिल जाता है। जस्ट इसके एडजस्टमेंट आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट, 9RA LED हेडलैम्प यूनिट और जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है। काफी अच्छी खासी ब्राइटनेस है इसकी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। शोरूम में भी मैंने शूट किया है और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा इसके हेडलैम्प यूनिट, 9RA हेडलैम्प यूनिट, जिसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी खासी है दोस्तों। जस्ट इसके नीचे LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प दिया गया है। बहुत ही शानदार हाउसिंग में इसका 9RA LED हेडलैम्प यूनिट चेकआउट कीजिएगा, फॉग लैम्प चेकआउट कीजिएगा, काफी शानदार। फ्रंट ग्रिल की अगर हम बात करें तो काफी बोल्ड क्रोम फिनिश में दिया गया है, होंडा का लोगो, और इसका फ्रंट ग्रिल भी ट्वीक्स किया गया है। यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन दिया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ब्लैक मैश डिजाइन ऑफर किया गया है नंबर प्लेट की जगह। नीचे फ्रंट बम्पर में ट्वीक्स किया गया है ब्लैक पार्ट कार्बन फाइबर में, जिसकी वजह से इसे एक स्पोर्टी लुक मिल जाता है, जैसे कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। वहीं साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह दिखने वाली है। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक, वहीं सस्पेंशन फ्रंट में मैकपर्सन स्ट्रट विद कोयल स्प्रिंग एंड रियर में टोर्जन बीम विद कोयल स्प्रिंग प्रोवाइड किया गया है। और टर्निंग रेडियस है 5.3 और इसके साइड प्रोफाइल में डिफरेंट डिजाइन के 16 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील दिया गया है। व्हील साइज है 185/55R16। ORBM आपको बॉडी कलर ड्यूल टोन में दिया गया है LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। लेफ्ट साइड ORBM के नीचे आपको कैमरा दिया गया है ब्लाइंड स्पॉट के लिए, और जो कि डिस्प्ले यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको इसका डिस्प्ले में दिखेगा, जो कि सेफ्टी फीचर्स के तौर पे दिया गया है। रेन सेंसिंग वाइपर दिया गया है यहां पे, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और सबसे बड़ा बदलाव एडास फंक्शन आपको दिया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, फ्रंट कैमरा लगाया गया है यहां पे, और जिसे सेम वेरिएंट के तौर पे शोरूम में शूट किया था मैंने, और मैंने सोचा आपको सनलाइट में ज़्यादा बेटर दिखने वाली है दोस्तों। और इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है कुछ इस तरह, और इसके साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पे बी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट दिया गया है, और ग्रैब हैंडल पे क्रोम फिनिश दिया गया है। डायमेंशंस के तौर पे लेंथ दिया गया है 4583 mm, विड्थ 1748 mm, हाइट 1489 mm, व्हील बेस 2600 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, बूट स्पेस 506 liter, एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है 40 liters। लेफ्ट साइड फ्यूल लिड दिया गया है, पेट्रोल में ही आता है ये, डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। शार्क फिन एंटीना दिया गया है, डीफॉगर दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, और टेल गेट के बीचों बीच आपको दिया गया है यहाँ पे स्पॉइलर, जो कि इनबिल्ट आता है दोस्तों, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है। लुक काफी एनहांस हो जाते हैं इसके, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और वहीं LED टेल लैंप यूनिट की अगर हम बात करें तो सेम डिजाइन रखा गया है ओल्ड वेरियंट की तरह ही, जो कि दिखने में काफी शानदार लग रहे हैं दोस्तों, और काफी आगे तक जाती है साइड प्रोफाइल में। और वहीं टेल गेट के लेफ्ट साइड आईवी टेक की बैजिंग दिया गया है, क्योंकि ये पेट्रोल वेरिएंट है दोस्तों, डीजल इसमें आता ही नहीं है। बीच में होंडा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है नंबर प्लेट की जगह, और टेल गेट के लेफ्ट साइड दिया गया है सिटी की बैजिंग, काफी शानदार रियर प्रोफाइल और बॉडी कलर, रियर बम्पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ। यहाँ तक तो ठीक है, नीचे आपको सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, कार्बन फाइबर टच दिया गया है रियर बम्पर पे, जो कि काफी स्पोर्टी लग रही है। फ्रंट प्रोफाइल की तरह ही यहाँ पे रियर प्रोफाइल में दिया गया है, दोनों रिफ्लेक्टर्स दिया गया है, काफी शानदार स्पोर्टी इसका रियर प्रोफाइल रहने वाला है। एक बार चेकआउट कीजिएगा कुछ इस तरह। ये एक माइनर सा ट्वीक्स किया गया है फेसलिफ्ट 2023 होंडा सिटी में। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटीरियर की। तो कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है, जो कि दोनों ही डोर पे आपको मिलते हैं। ओपन करते हैं यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बीज कलर में। ग्रैब हैंडल पे आपको लेदर टच मिलने वाले हैं, जो कि इसके प्रीमियमनेस को बढ़ा देते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटो और ORBM के कंट्रोल दिया गया है, 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह, और ट्विटर दिया गया है। इसमें आपको 4 ट्विटर 4 स्पीकर मिल जाते हैं,
और कुछ इस तरह का इसका फ्रंट डोर। वहीं डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट काफी प्रीमियम रहने वाला है। ट्रिपल टोन में दिया गया है, ब्लैक वुडन एंड बीच फिनिश में। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको दिया गया है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, और नीचे दिया गया है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प लेबलर के बटन। नीचे डेड पेडल दिया गया है, लॉन्ग जर्नीज में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। काफी कंफर्टेबल ड्राइवर सीट दिया गया है लेदर पोस्टी के साथ। बूट ओपनर का बटन, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है मैनुअली। परफोरेटेड लेदर अपोस्टी दिया गया है, बहुत ही कंफर्टेबल, लेकिन ये वेंटिलेटेड सीट नहीं दिया गया है इसमें। और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है कुछ इस तरह, बहुत ही अच्छी खासी कुशनिंग दिया गया है। इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है इस वेरिएंट में। चलिए अब अंदर बैठते हैं, बात करते हैं सेंटर कंसोल में क्या कुछ आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। यहाँ पे दिया गया है आर्मरेस्ट, जिसके नीचे स्टोरेजेस आपको मिल जाते हैं, और इसके एडजस्टमेंट आपको दिया गया है क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक। और यहाँ पे दिया गया है 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि CVT गियरबॉक्स के साथ आता है। जस्ट इसके एडजस्टमेंट इको मोड दिया गया है, और की दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह, काफी प्रीमियम। लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन, लाइट फंक्शन का ऑप्शन, पीछे आपको होंडा का लोगो देखने को मिलेगा, और 2 cup होल्डर। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले के साथ नीचे कुछ स्पेस, और 2 यहाँ पे पावर सॉकेट दिया गया है USB पोर्ट के रूप में। 12 का चार्जर दिया गया है, और 8 का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को, जिसके ऊपर आपको यहां पे दिया गया है हैजार्ड लैम्प दोनों ओर AC वेंट, सिल्वर सैटिन सिल्वर फिनिश के रूप में। जबरदस्त इसका लुक इंटीरियर, और यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है। राइट साइड एनालॉग स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड RPM मीटर एंड MID डिजिटली मिल जाती है, जिसमें ड्राइव असिस्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। दोस्तों प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स दिया गया है, जस्ट सफिशियंट जगह आपको मिल जाती है। और वहीं डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेदर टच वुडन फिनिश देखने को मिलता है, सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है, और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है कुछ इस तरह, चेकआउट कीजिएगा। और वहीं सेंटर में आपको दिया गया है LED कैबिन लाइट, ट्विन LED कैबिन लाइट, जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी खासी है, जो कि ओल्ड मॉडल में भी आता था। और इसके अलावा यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ के कंट्रोल ऑफर किया गया है, जिसे दबाते ही आप ओपन कर सकते हैं। काफ़ी एयरी फील होता है इसका कैबिन, आजकल की ट्रेंडिंग फीचर्स में से एक है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए क्लोज कर देते हैं सनरूफ को, और इसके साथ ही ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है कुछ इस तरह। और सेंटर में दिया गया है IRBM आपको डे नाइट, जिसका स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों, बहुत ही शानदार। और जस्ट उसके आगे आपको फ्रंट कैमरा एडास के रूप में देखने को मिलता है। और वहीं स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 3-spoke टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है, और इसके साथ ही यहाँ पे पेडल शिफ्टर भी दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन करते ही यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बीज कलर में, और यहाँ पे दिया गया है लेदर टच आर्मरेस्ट पे। पावर विंडो के कंट्रोल, स्पीकर और ट्विटर मिल जाते हैं रियर डोर पे भी। और यहाँ पे दिया गया है आपको क्रोम फिनिश, 1 liter का वाटर होल्डर, थोड़ी सी जगह। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी खासी जगह दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है तीनों ही पैसेंजर्स के लिए, और पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। और इसके अलावा सेंटर में दिया गया है आर्मरेस्ट 2 cup होल्डर के साथ, और यहाँ पे देख पा रहे हो 6 airbag अवेलेबल कराए गए कुछ इस तरह। बहुत ही जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स। अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। काफी कंफर्टेबल सीट, होंडा सिटी इसी के लिए तो जानी जाती है दोस्तों, कंफर्ट के लिए। और रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट दिया गया है, साथ में 212 का चार्जर, मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट काफ़ी प्रीमियम दिखता है इस सेगमेंट में, काफ़ी जबरदस्त इसमें कंफर्ट। चारों ओर कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है। रियर पैसेंजर्स के लिए भी ट्विन कैबिन लाइट दिया गया है, वो भी LED में, और जिसके सराउंड आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। चारों ओर कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ,
जहां तक कंफर्ट की बात करें तो यहां पे अच्छी खासी लेग रूम आपको ऑफर किया गया है, नी रूम भी काफी अच्छी खासी मिल जाती है, हेड रूम भी काफी अच्छी खासी मिल जाती है, जिसके लिए एक बिग थम्स अप दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो यहां पे आप देख पा रहे हो 506 लीटर का ह्यूज बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो काफी अच्छी खासी जगह प्रोवाइड किया गया है होंडा सिटी में, और आपका लगेज भी काफ़ी आ सकता है। सेंटर में बूट लैंप भी दिया गया है जो कि नाइट के समय में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है टूल किट के साथ, चेकआउट कीजिएगा। और काफ़ी अच्छी खासी जगह आपको ऑफर किया गया है होंडा सिटी में बूट स्पेस के मामले में, नंबर वन सिटी पर्पस के लिए शानदार ऑप्शन रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि होंडा सिटी में केवल और केवल एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, वो है पेट्रोल इंजन। और इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 कंप्लायंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर IVTEC पेट्रोल इंजन, जो कि 119.35 PSP की पावर 6600 RPM पे एंड 145 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4300 RPM पे। वहीं ट्रांसमिशन आपको मिलता है 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन। और माइलेज के मामले में भी इसका जवाब नहीं है, कंपनी क्लेम कर रही है 18.4 KMPL की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो होंडा सिटी के इस वेरिएंट यानी टॉप इन वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, डे नाइट IRBM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, लेन वॉच कैमरा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प यूनिट, फॉलो मी होम हेडलैम्प यूनिट, एंटी पिंच पावर विंडो, रिटेशनल एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक। और एडवांस सेफ्टी फीचर्स में होंडा सेंसिंग यानी कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम CMBS, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्टेंस सिस्टम, लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन सिस्टम, रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, ऑटो हाई बीम, एडवांस कंपैटिबिलिटी इंजीनियरिंग बॉडी स्ट्रक्चर, मल्टी एंगल रियर कैमरा विद गाइडलाइन नॉर्मल वाइड टॉप डाउन मोड्स, डोर अजर वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों फेसलिफ्ट होंडा सिटी टॉप इन वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड व्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यूज टेस्ट ड्राइव्स वॉक अराउंड कंपेरिजन एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।